السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. यहाँ से इस आयत करीमा में और उसके बाद की जो चंद आयतें मज़ीद सूरत की बाकी, इन तमाम आयतों का जो मज़मून है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और इसी तरह से इस्लाम में फ़र्क और इम्तियाज़ बयान फरमाया है। इस्लाम और ईमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईमान अलग चीज़ का नाम है, इस्लाम अलग चीज़ का नाम है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये मज़मून बयान फरमाया है कि ईमान की सही दलील पेश करने के बाद ही आदमी ईमान के मकाम तक पहुंच पाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा के लिए हिजरत करना वगैरह, इस तरह के जो अजीम शान कारनामे हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद इंसान दलील दे पाता है, बुरहान कायम कर पाता है कि वाकई वो ईमान के दर्जे और ईमान के मकाम तक पहुँच चुका है। तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है कि ये जो तौफीक है इस्लाम की, ईमान की, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। कोई मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, ईमान ले आए, तो वो अल्लाह तबारक व तआला पर या उसके दीन पर कोई एहसान नहीं करता। किसी का इस्लाम लाना, ईमान लाना, ये उसकी तरफ से एहसान नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है, उसका एहसान है, उसका इनाम है कि अल्लाह तआला ने उसे ईमान की, इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी है। तो ये चंद आयतें जो बाकी हैं उनका खुलासा है। ये जो आयत करीमा इस वक्त हमारे सामने है, इस आयत करीमा का मज़मून यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और इस्लाम में फ़र्क और इम्तियाज़ बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन लोगों को डांटा है, तंबीह फरमाई है जो देहाती अभी नए नए इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए थे और उसी मरहले में उन्होंने अपने आप को उन कदीम गहरे ईमान वालों की फहरिस्त में शुमार करना शुरू कर दिया जिस मकाम तक वो नहीं पहुँचे थे। लखबर को ताला फरमाता है قالت الأعراب آمنا, देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। قل لم تؤمنوا, आप कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो। ولكن قولوا أسلمنا, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो, ला यलिकुम मिन अमालिकुम शैआ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल में से कोई चीज कम नहीं करेगा, तुम्हारे आमाल में से किसी अमल की में नक्स नहीं करेगा। सारे के सारे आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह और उसके रसूल की गवाह और इताअत के नतीजे में कबूल होंगे। इन्नल्लाहा गफूर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मेहरबान है। तो आयत करीमा साफ साफ हमें ये बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन आराम को, देहातियों को तंबीह फरमाई है जो अपने आप को आगाज़ इस्लाम में ही ईमान के दायरे में समझने लगे और उन लोगों के मकाम और मर्तबे पर अपने आप को फाइज समझने लगे जो बहुत पहले से ईमान की ईमान के आला मकाम पर फाइज थे। और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अभी तुम नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हो, ये इस्लाम है, और अभी तुम ईमान के दायरे में दाखिल नहीं हुए हो या ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं हुआ है। असल में इस्लाम के माने इस्तिस्लाम के हैं, यानी सरे तस्लीम हम कर देना, झुक जाना, कबूल कर लेना, मान लेना। और ईमान के माने होते हैं जबान से इकरार करके दिल से यकीन कर लेना और अमल से उसका सबूत पेश कर देना, ये इसका जाहिर लफ्जी माना है। अब इन देहातियों ने कहा कि हम ईमान लाए, قالت الاعراب آمنا, देहातियों ने कहा कि हम ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आप कह दीजिए अल्लाह के नबी कि तुम ईमान नहीं लाए, तुम्हें ये कहना चाहिए कि हम इस्लाम लाए हैं क्योंकि ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है।
यहां साफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान और इस्लाम में फर्क साबित कर रहा है कि ईमान अलग चीज का नाम है और इस्लाम अलग चीज का नाम। इस्लाम कहते हैं दीन के जाहिरी आमाल पर अमल करने को, इस्लाम नाम है दीन की जाहिरी चीजों को बजा लाना, यानी नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, उमरा करना, सदका करना, कुर्बानी करना, खैरात करना वगैरह, और जो जाहिरी चीजें हैं, जाहिरी आमाल हैं, इनको बजा लाना इस्लाम कहलाता है। और ईमान जो है वो दरअसल उन बातनी चीजों को जिनका ताल्लुक दिल से है, दिल की गहराई से है, दिल में उतर जाने से है, दिल के अंदर अब पैवस्त हो जाने या रग और रेशे में उतर जाने से है, उससे इसका ताल्लुक है। इस सिलसिले में एक तो यह आयत करीमा है और आगे भी आयत करीमा आ रही है इसी सूरत के अंदर। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद दलीलें हैं जिससे वाकई ये बात साबित होती है कि इस्लाम और ईमान में फर्क है। इस्लाम जाहिरी अमल की पाबंदी का नाम है, जबकि ईमान जो है वो दिल की गहराई और बातिन में यानी अंदरूनी जो चीज़ें हैं इसको आदमी अपने दिल के अंदर उतार लेता है, पैवस्त कर लेता है, ईमानियात का बाप जो है उससे उसका ताल्लुक है। सही बुखारी या सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर जो रिवायत है, पहली रिवायत इसे हदीस जिब्रील के नाम से हम जानते हैं, वो इस बात की वाज़ह दलीलों में से है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी के पास आए और नबी हदीस में उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन इस्लाम, ए मोहम्मद आप मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इस्लाम أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے معبود نہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھو اور طاقت ہو استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ फिर उसके बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदकता सही कहते हैं आप सच बोल रहे हैं। साहबे करम कहने लगे फाजिब न रहो यसअलुहु वही यसदिकु, हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि एक आदमी सवाल भी कर रहा है और जवाब देने के बाद तस्दीक भी कर रहा है कि आप सच बोलते हैं, हैरानी हुई क्योंकि नहीं जानते थे कि वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा अखबिरनी अन ईमान, आप मुझे ईमान के बारे में बताइए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तुमीन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व बिल कदरी खैरिही व शर्रिही। ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर यकीन लाओ, रखो, ये ईमान है। उसके बाद फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा आप सच कहते हैं सदकता आपने सच कहा। उसके बाद फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखबिरनी अन एहसान, आप मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एहसान के सवाल के जवाब में फरमाया अन तअबुद अल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम ऐसी इबादत करो जैसे तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो, अल्लाह का दीदार कर रहे हो, रब्बुल आलमीन को तुम देख रहे हो और देख करके अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो, इतना ज्यादा खुशू हुजू इलाहियत वगैरह पाई जाती है। अगर तुम्हें इसकी इस्तेआत न हो, अगर ऐसा न हो सके तो कम से कम ये यकीन हो, इस एहसास के साथ, शऊर के साथ तुम इबादत करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। तो ये हदीस जो है बहुत सरीह है कि इस्लाम अलग है और ये सबसे इब्तदाई दर्जा है, फिर उसके बाद उससे आला दर्जा जो है वो ईमान का है, फिर उसके बाद उससे भी आला दर्जा जो है वो एहसान का है। इसी को उलमा कहते हैं कि पहले वाला आम है, उसके ऊपर वाला खास है, उसके ऊपर वाला और ज्यादा खास है, एक आम है, एक अखस है और एक मजीद उससे भी ज्यादा खास है। तो ये हदीस साफ दलील है कि इस्लाम ईमान के दर्जे अलग है। ईमान इस्लाम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया तो आपने जाहिर इस्लाम के फराइज और वाजिबात का नाम लिया, नमाज कलमे शहादत का इकरार और उसके बाद नमाज रोजा हज ज़कात का आपने नाम लिया। ईमान के बारे में बात जब आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने बातनी चीजों का नाम लिया, अल्लाह पर यकीन करना, उसकी तस्दीक करना, उसके फरिश्तों पर यकीन करना, उसकी तस्दीक करना, किताबों रसूलों आखिरत पर ईमान, तकदीर पर यकीन, इनका नाम लिया। तो ये बिल्कुल सही है कि इस्लाम जाहिरी चीजों को और ईमान बातनी चीजों को अंदरूनी चीजों को बोला जाता है जिसका ताल्लुक ईमानियात तस्दीक से यकीन से है।
और ऐसे ही और भी रिवायतें हैं सही बुखारी वगैरह ही के अंदर, हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला की मशहूर रिवायत है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को जो भी आपके पास सदका अतिया वगैरह आया हुआ था आपने तकसीम किया दिया बहुत सारे लोगों को, उसमें से एक शख्स को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी से फरमाया, अल्लाह के नबी आपने बहुत सारे लोगों को दिया है, अता किया है, नवाजा है, लेकिन एक शख्स को आपने नहीं दिया है, मा अन्नहु मुमिन, जबकि वो भी मुमिन, जिस शख्स को आपने नहीं दिया है बावजूद कि वो मुमिन है आपने उसे नहीं दिया है, बाकी सब लोगों को आपने दे दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, वह हुआ मुमिन, हालांकि वो मुमिन फिर भी आपने उसे नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ मुस्लिम, या वो मुसलमान भी है, यानी वो मुसलमान है, तो कह रहे हो कि हालांकि वो मोमिन है फिर भी आपने नहीं दिया, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि हालांकि वो मुसलमान है फिर भी आपने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और मुस्लिम हो या वो मुसलमान है फिर भी मैंने नहीं दिया। हजरत साद बिन वक्कास ने फिर कहा, बावजूद कि वो मोमिन है आपने नहीं दिया, आपने फरमाया या वो मुसलमान है फिर भी मैंने नहीं दिया। तीन बार ये मसला हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी यही कहते रहे कि या वो मुसलमान है फिर भी मैंने नहीं दिया। तो मोमिन और मुस्लिम के माने में फर्क को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ये तंबीह फरमाई, यानी तीन बार जो बार बार बात दोहराई गई उससे ये बात अच्छी तरह से व्यवस्थित करनी चाहिए के अंदर, दिलों के अंदर, कि मोमिन और मुस्लिम में फर्क है। मुस्लिम जाहिरी आमाल, जाहिरी फराइज वाजिबात की पाबंदी करने वाले को कहते हैं, जबकि मोमिन अंदरून दिल की गहराइयों में कितना ईमान की मजबूती है, रसूख है, कितना ज्यादा सच्चाई है, कितना ज्यादा उसकी तस्दीक है, कितना ज्यादा उसका पुख्तगी के साथ यकीन है, इन तमाम चीजों से उसका ताल्लुक है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर उसके बाद आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देता हूँ और बहुत सारे लोगों को नहीं देता हूँ, हालांकि वो ज्यादा महबूब होते हैं मुझे उन लोगों से जिनको मैं देता हूँ, जिनको मैं देता हूँ उनसे ज्यादा वो महबूब होते हैं जिनको मैं नहीं देता हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं देता हूँ, जिनको मैं देता हूँ इसलिए देता हूँ कि अगर मैं नहीं दूंगा तो इस बात का डर है कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला औहदे मुंह जहन्नम में डाल देगा, यानी वो नए नए इस्लाम लाए हैं या इस्लाम लाने के करीब हैं, वक्तरी में इस्लाम लाने के, इसलिए मैं उनको देता हूँ ताकि उनकी दिलजोई हो, तालीफ कल्ब हो, दिल उनका इस्लाम की तरफ ज्यादा मायल हो, इस्लाम से उनकी रगबत ज्यादा बढ़े ताकि वो इस्लाम ले आए। अगर वो नहीं दूंगा मैं तो इस्लाम की रगबत नहीं होगी, और इस्लाम की तरफ रगबत नहीं होगी तो हो सकता है कि वो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औहदे मुंह जहन्नम में डाल देगा। या वो इस्लाम ला चुके हैं लेकिन नए नए इस्लाम लाए, अभी बहुत ही इस्लाम की उनके अंदर नहीं आई है, जाहिरी फराइज और वाजिबात की पाबंदी तो कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर अभी वो इतना पुख्ता नहीं है जितना होना चाहिए, जिस बुनियाद पर उनको मोमिन कहा जा सके, इसलिए मैं उनको देता हूँ कि कहीं वो ना देने की सूरत में मुर्तद ना हो जाए, इस्लाम से दबिश्ता ना हो जाए, जिसके नतीजे फिर वो जहन्नम की आग में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ डाल दिए जाएंगे। तो इस हदीस से भी मालूम पड़ता है कि आपने उन्होंने कहा वह हुआ मोमिन, आपने फरमाया औ मुस्लिम, औ मोमिन, वह मोमिन, औ मुस्लिम, साथ में भी वक्तास मोमिन कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मुस्लिम कह रहे हैं। ये फर्क बताना चाहते हैं कि ये जो मसला चल रहा है जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो, यहाँ ये फर्क समझने की जरूरत है कि वो जिसके मुर्तद हो जाने का अंदेशा है, डर है, उसके अंदर अभी इस्लाम है, ईमान नहीं है, जाहिरी फराइज और वाजिबात की पाबंदी करता है, लेकिन मामूली सी आजमाइश आ जाए, मामूली सा झटका आ जाए, कोई मादी नुकसान हो जाए, कारोबार में खसारा हो जाए, तो मुर्तद हो जाने का डर है, इसलिए उसको मुसलमान कहो, मोमिन ना कहो। बहरहाल ये अल्लाह के कलाम की आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हदीस हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी दलीलें कुरान करीम की और हदीस की हमारे सामने मौजूद, इससे मालूम पड़ता है कि यही असल माना है। इस्लाम जाहिरी फराइज वाजिबात और ईमान जो है वो अंदरूनी और दाखिली चीजों की तस्दीक का नाम है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का लफ्ज आए तो ये दोनों चीजें उसके अंदर मुराद होंगी, और अगर सिर्फ ईमान का लफ्ज कहीं आए तो भी दोनों चीजें मुराद होंगी, यानी अगर कहीं सिर्फ सेपरेट सिर्फ अलग इस्लाम का लफ्ज आए तो उसके अंदर इस्लाम के जाहिरी अमल भी मुराद होंगे और इस्लाम के बातिनी यानी जिसको हम ईमान कह रहे हैं अभी वो भी सारी बातें उसके अंदर मुराद होंगी।
और ऐसी अगर अलग थलग कहीं सिर्फ इस ईमान का जिक्र आए तो उसमें भी ये दिल की चीजें भी मुराद होंगी और दीन इस्लाम के जाहिर अमल की पाबंदी भी मुराद होगी। लेकिन अगर यकजा ईमान इस्लाम दोनों चीजें आ जाए तो इस्लाम का माना जाहिरी अमल की पाबंदी होगा और ईमान का माना बातनी है ना, ईमान और तस्दीक और दिल यकीन का माना होगा। ये चीज हमें अच्छी तरह से अपने ज़हनों में बिठा लेनी चाहिए। इसी बात को शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, इज़ इज्तमा इफ्तारका व इज़ इफ्तारका इज्तमा, जब ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं तो इकट्ठा हो जाती हैं, यानी दोनों का माना एक होता है। ये अलग इस्तेमाल हुआ दोनों माना, ईमान अलग इस्तेमाल हुआ इसका दोनों माना, और अगर दोनों चीजें इकट्ठा आ जाए तो दोनों का माना अलग अलग होगा। इस्लाम जाहिरी माने में इस्तेमाल होगा और ईमान बातनी और कल्बी दिली माओ दिली तस्दीक और ईमान के माने में इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये आयत करीमा साफ साफ उन देहातियों को, उन आराब को जो अपने आप को जाहिरी अमल की पाबंदी के साथ उन ईमान वालों के दर्जे में या ईमान के दर्जे में समझते थे जहां तक वो नहीं पहुंचे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप ऐलान कीजिए, आप कहिए इनसे कि तुम कहो हम इस्लाम लाए हैं क्योंकि अभी ईमान तुम्हारे दिलों में पैवस्त नहीं हुआ है। सूरह हज की गालिबा आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला उसमें फरमाता है, वा मिनन नासी मन यअबुदु अल्लाह अला हर्फि फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही वइन असाबतु फितनतुन इन्क़लबा अला वजहिही खसरत दुनिया व आखिरत ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन। अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किनारे बुढ़ेर पर, बिल्कुल बाउंड्री पर, किनारे पर खड़े होकर के ईमान लाते हैं, अगर उन्हें भलाई मिलती है तो इस्लाम पर जमते हैं, कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है, फितने पर फितना आ जाता है, मुश्किल आ जाती है तो कहते हैं कि नहीं इस्लाम ला करके नुकसान में पड़ गए, हमारा माल ज़ाया हो गया, हमारा खसारा हो गया, हमारी खेती का नुकसान हो गया, हमारे जानवर की पैदाइश कम हो गई वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है इस आयत करीमा से भी कि ईमान जब दिल के रगो रेशे में पैवस्त हो जाएगा तो इस तरह की कोई बात कभी तसव्वुर में भी नहीं की जा सकती। लेकिन ईमान की कमजोरी कह लें या इस्लाम कह लें, जिसकी बुनियाद पर आदमी इस तरह की बातें करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसलिए फरमाए कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बिल्कुल किनारे करते हैं, यानी अगर किनारे हैं, अगर फायदा हुआ तो इधर आ जाएंगे, नुकसान हुआ तो इधर चले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाए ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से खसारे और घाटे में है, और इससे बड़ा खसारा और घाटा कुछ नहीं हो सकता कि किसी की दुनिया भी चली जाए आखिरत भी चली जाए। तो वह अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, वही तो रसूलहू ला यलीकुम मिन अमालिकुम शय, अगर तुम अल्लाह के उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल में से कोई भी कमी नहीं करेगा, तुम्हारे अमाल में कोई कमी नहीं करेगा, यानी मुकम्मल तुम्हारे अमाल का सिला बदला अजर सवाब तुम्हें पूरा का पूरा देगा। तो सच्ची इताअत नबी अल्लाह तबारक व तआला की, वो सच्ची इताअत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये असल में ईमान का असल पैमाना है, ईमान का असल पैमाना। आगे वाली आयत में उसकी वजह आ रही है कि असल ईमान वाले कौन है जिनको हक पहुंचता है कि अपने आप को मोमिन कहें, अगर वो मकाम नहीं पहुंचे उस मकाम को भी पहुंचे तो उन्हें अपने आप को मोमिन नहीं कहने का हक है, उन्हें अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा पक्का मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें मुख्तलिफ अंदाज की आजमाइशों से गुजरना होगा, बिलखुसूस क़यामत जो आजमाइशें मुसीबतें फितने आएंगे इनसे हमें गुजरना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ईमान की सलामत और मजबूती भी की बुनियाद पर इन फितनों से नबरदाजमा होने की तौफीक देगा और ये चीज़ हमारे लिए आसान हो सकेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको फितनों में साबित कदम नहीं रखती सिवाय हमारे ईमान की पुख्तगी के, ईमान की सलामत के। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान ईमान कामिल और ऐसे ही ठोस और पुख्ता ईमान की तौफीक अता फरमाए जिसके जरिए से हम फितनों के तूफानों का मुकाबला कर सकें और ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें जो ईमान और अहले ईमान के हक में आती रहेंगी और आती रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस पुख्ता ईमान के जरिए से और खुसूसी तौफीक के जरिए से इन फितनों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी अमल की पाबंदी करने तक नहीं बल्कि पुख्तगी
से दिल के गहराई में और अपने दिल के रगो रेशे में ईमान की मिठास को, ईमान की शीरीनी को और उसकी हलावत को उतारने और महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। हम जबान के और सिर्फ गुफ्तार के मुसलमान न रहें, ज़ाहिरी अमाल और किरदार के मुसलमान न रहें, बल्कि हकीकी इमामों में, सही इमामों में मोमिन बन करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान करदा दुनिया का सिला और बदला और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला का अजर सवाब हासिल कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसी तौफीक अता फरमाए। आमीन।